21 दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। एक, पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी पर था। इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 680 ईस्वी, नरसिंह वर्मन द्वितीय 704 से 728, नंदी वर्मन द्वितीय 731 से 795। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित 879 से 897 ईस्वी हुआ। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महाबलीपुरम के एकाश्रम मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातपी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजसिंह राजाओं में सिंह, आगम प्रिय शासकों का प्रेमी और शंकर भक्त शिव का उपासक की उपाधियां धारण की। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोर मंदिर। दशकुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे।